बात है, मैं इलेक्शन से नगर से लड़ा था जी। तो जिस इलाके का एमएलए होता है उसको प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उस इलाके की होती है। अगर मेरा जिस्म वहाँ था तो मेरी रूह और जहन हमेशा कुपवाड़ा में ही था। जिस्म की जिम्मेवारी थी तो हमने एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी उस वक्त कायम की, वो भी कुपवाड़ा में बनाई। और बाकी जो कामों की फहरिस्त गिनाना शुरू करूँ तो वो कोई जायज़ बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद क्या किया यहाँ का नुमाइंदा होने की हैसियत से वो उसका जवाब दें। इस बहस में मैं कभी जाना भी नहीं चाहता हूँ। उनका कंडक्ट लोग देखेंगे, मेरा कंडक्ट भी लोग देखेंगे, और ये लड़ाई लोगों की अदालत में है, इसमें उनके कहने से कुछ होता नहीं है। उनका कंडक्ट क्या गिना हूँ, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने क्या किया, 5 साल MP रहे हैं, 5 करोड़ उनका साल का फंड था, ये कोई 30 करोड़ रुपये बनता है, उन्होंने क्या उस फंड का यूटिलाइजेशन किया वो बता दें। पॉलिटिकली वो वहाँ हमको रिप्रेजेंट करने गए थे, उन्होंने वहाँ हमारे लिए क्या नुमाइंदगी की है अपने पूरे टेन्योर में वो बता दें, क्योंकि लोग हिसाब उनसे लेंगे। मैं अभी जवाब दे नहीं हूँ, वो जवाब दे हैं। 3 दफ़ा उनको मौका मिला, 1 दफ़ा जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट का इलेक्शन था वहाँ पे, उस वक्त उनका कंडक्ट क्या रहा उसका वो जवाब दें। उसके बाद 3 तलाक की बिल आई जो हमारे दीन के खिलाफ भी बिल थी, उसमें उनका कंडक्ट क्या रहा और उनको अपनी पार्टी से किस बात पे निकाला गया उसका वो जवाब दें। फिर सबसे ज़्यादा जब 370 और 35A की बात आई, उन्होंने उस वक्त क्या कंडक्ट किया, क्या उन्होंने उस बिल के खिलाफ वोट डाला कि नहीं डाला, क्योंकि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत भी लेजिस्लेटिव बिजनेस समझता हूँ, उन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला कि नहीं डाला ये पता कीजिएगा। वोट ही एक ताकत होती है एक MP की, उस वक्त उनका क्या कंडक्ट रहा वो बताएं। ये भी बताएं कि उनको किस बुनियाद पे, उनके और उनके साथी को जो कुलगाम से थे उनको किस बुनियाद पे PDP से निकाला गया था। लेकिन देखिए इरफान साहब, काफ़ी देर तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा स्वीप करती थी जिला कुपवाड़ा को, कोई अपोजिशन का यहाँ कोई नुमाइंदा कभी नहीं होता था, मासीवाई का अदवार हिंदवारे से। उसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दे। हम लोग एनालाइज करके यहीं बैठ के हर चीज़ को एक ही पैमाने पे तोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इलेक्शन अलग अलग मुद्दों पे होता है, और पहली दफ़ा एक सेंटिमेंट के बुनियाद पे वोट डाला गया। आप नहीं समझते वो सेंटिमेंट है, जिस आदमी को 18 सीटों में वोट मिले एक तरफा, वो एक जज्बाती वोट नहीं था, जहाँ उसको कोई मतलब कभी कोई जानता नहीं, कोई पार्टी का कार्डर नहीं, कोई कैंपेन करने वाला भी नहीं था, वहाँ भी वोट मिल गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी वोट था, PDP के खिलाफ भी वोट था, लेकिन आपकी नजरिए में, आपके माइक्रोस्कोप में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखता है। वोट सबके खिलाफ पड़ा। PDP के तो जमानत जब्त हो गई, 27,000 वोट आए उनको टोटल नॉर्थ कश्मीर में बड़गाम बीरू लेके, तो सेंटिमेंट उनके खिलाफ नहीं था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 800 वोट से जमानत बच गई, तो उनके खिलाफ वोट नहीं था। हमारा वोट शेयर पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन से और आज तक लगभग 2 लाख वोट बढ़ गया। वो यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है, कि कोई ये नहीं है कि नहीं जी आपने 50% काम हुए, 70% काम हुए तो 20% मैंने करना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ टाउन की हालत आप देखिए, ये कैपिटल है, मुझे मतलब अफसोस से कहना पड़ता है, लगता नहीं है कि ये जिला हेडक्वार्टर, किसी एंगल से जिला हेडक्वार्टर दिखता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, इलेक्शन दंगल हम सीरीज चला ही रहे हैं, और आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में मौजूद है वो ना सिर्फ की कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज ही कुपवाड़ा है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड इन कमांड भी माने जाते हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी साहब। सर पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे मालूम है कि इलेक्शन का ऐसा चल रहा है कि बहुत कम दिन रह गए और बिजी शेड्यूल है, आपने हमें टाइम दे दिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत यहीं से करेंगे कि इस इलेक्शन में लगभग कोई भी सियासी जमात या सियासी हरीफ ऐसा नहीं है जिन्होंने एक दूसरे को पॉलिटिकली एक्सपोज करने में कसर नहीं छोड़ी। आपके जो सियासी हरीफ हैं वो कह रहे हैं कि नासिर साहब जो अब कुपवाड़ा आए, जब ये मिनिस्टर थे तब इन्हें कुपवाड़ा याद नहीं था, तब श्रीनगर में थे, और अब जाके ये कुपवाड़ा का रोना क्यों रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं इलेक्शन से नगर से लड़ा था जी। तो जिस इलाके का MLA होता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इलाके की होती है, और वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरा जिस्म वहाँ था तो मेरी रूह और जहन हमेशा कुपवाड़ा में ही था। हमने कुपवाड़ा के लिए उस वक्त भी जो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, मेरे पास टूरिज्म की जिम्मेवारी थी,
तो हमने एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी उस वक्त कायम की, वो भी कुपवाड़ा में बनाई। और बाकी जो कामों की फहरिस्त का गिनाना शुरू करूं तो वो कोई जायज़ बात नहीं है, क्योंकि मैं उनके इस बात पे क्या जवाब दूं, उन्होंने खुद क्या किया यहाँ का नुमाइंदा होने की हैसियत से, वो उसका जवाब दें। इस बहस में मैं कभी जाना भी नहीं चाहता हूँ। उनका कंडक्ट लोग देखेंगे, मेरा कंडक्ट भी लोग देखेंगे। पहले तो अल्लाह की ज़ात पे मुझे पूरा यकीन है, वो उनका जो मेरे पे करम होगा वही फैसला लोग भी करेंगे। और ये लड़ाई लोगों की अदालत में है, इसमें उनके कहने से कुछ होता नहीं है। उनका कंडक्ट क्या गिना हूँ मैं, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने क्या किया, 5 साल MP रहे हैं, 5 करोड़ उनका साल का फंड था, ये कोई 30 करोड़ रुपये बनता है, उन्होंने क्या उस फंड का यूटिलाइजेशन किया वो बता दें, तो वो तो अलग बात है। पॉलिटिकली वो वहाँ हमको रिप्रेजेंट करने गए थे, उन्होंने वहाँ हमारे लिए क्या नुमाइंदगी की है अपने पूरे टेन्योर में वो बता दें, क्योंकि लोग हिसाब उनसे लेंगे। मैं अभी जवाब दे नहीं हूँ, वो जवाब दे हैं। 3 दफ़ा उनको मौका मिला, 1 दफ़ा जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट का इलेक्शन था वहाँ पर, उस वक्त उनका कंडक्ट क्या रहा उसका वो जवाब दें। उसके बाद 3 तलाक की बिल आई जो हमारे दीन के खिलाफ भी बिल थी, उसमें उनका कंडक्ट क्या रहा और उनको अपनी पार्टी से किस बात पे निकाला गया उसका वो जवाब दें। फिर सबसे ज़्यादा जब 370 और 35A की बात आई, उन्होंने उस वक्त क्या कंडक्ट किया, क्या उन्होंने उस बिल के खिलाफ वोट डाला कि नहीं डाला, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत भी लेजिस्लेटिव बिजनेस समझता हूँ, उन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला कि नहीं डाला ये पता कीजिएगा, क्योंकि वोट ही एक ताकत होती है एक MP की। उस वक्त उनका क्या कंडक्ट रहा वो बताएं। मैं ज़ाती इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं मुखालफत पर आए मुखालफत करूँ, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे, इसका वो जवाब दें। और ये भी बताएं कि उनको किस बुनियाद पे, उनके और उनके साथी को जो कुलगाम से थे उनको किस बुनियाद पे PDP से निकाला गया था। लेकिन चलिए, आपने कहा कि साथियों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बाकी पार्टी से अच्छा था, एक्सेप्ट एक वेव में उस वक्त AIP को ज्यादा वोट्स मिले उसको छोड़ के, डू यू बिलीव कि पार्लियामेंट अलग था असेंबली अलग है और उसका कोई असर इस बार नहीं होगा, लोग जो है अब मुख्तलिफ पैरामीटर्स रखते हैं वोट देने के लिए। देखिए इरफान साहब, एक टाइम से काफी देर तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा स्वीप करती थी जिला कुपवाड़ा को, कोई अपोजिशन का यहाँ कोई नुमाइंदा कभी नहीं होता था, मासीवाई का आधवार कभी हंदवारे से। उसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दे, हम पूरा ये मान लें कि बस अब स्वीप हो गया तो खत्म हो गया। वन ऑफ इलेक्शन है पार्लियामेंट, तो आप बाकी सारे पोलिटिकल पार्टीज को वॉश ऑफ करना चाहते हैं, ये सियासत है और इसमें लोगों का जो है फैसला वही चलता है। हम लोग एनालाइज करके यहीं बैठ के हर चीज़ को एक ही पैमाने पे तोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इलेक्शन अलग अलग मुद्दों पे होता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन एक अलग मुद्दे पे हुआ और पहली दफ़ा एक सेंटिमेंट के बुनियाद पे वोट डाला गया, आप नहीं समझते वो सेंटिमेंट है। जिस आदमी को 18 सीटों में वोट मिले एक तरफा, वो एक जज्बाती वोट नहीं था, जहाँ उसको कोई मतलब कभी कोई जानता नहीं, कोई पार्टी का कार्डर नहीं, कोई कैंपेन करने वाला भी नहीं था, वहाँ भी वोट मिल गए। वो तो कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ वोट था, BJP के मुखालिफ वोट था, तो ये तो सबके खिलाफ था, ये तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी वोट था, PDP के खिलाफ भी वोट था, लेकिन आपकी नजरिए में आपके माइक्रोस्कोप में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखता है, उसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। ये उनका किनका किसका इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, वोट सबके खिलाफ पड़ा। PDP की तो जमानत जब्त हो गई, 27,000 वोट आए उनको टोटल नॉर्थ कश्मीर में बड़गाम बीरू लेके, तो सेंटिमेंट उनके खिलाफ नहीं था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 800 वोट से जमानत बच गई, तो उनके खिलाफ वोट नहीं था। हमारा वोट शेयर पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन से और आज तक लगभग 2 लाख वोट बढ़ गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट की जब बात करेंगे तो हमारी बात करेंगे। उन्होंने जिक्र आपका कि इसलिए मैंने, चलिए आप उस बात जरूर जरूर जिक्र कीजिए, मुझे उसमें कोई बात नहीं। देखिए ये सियासी लड़ाई जो है ये सियासी मैदान में लड़नी है, इलेक्शन के मैदान में लड़नी है। पहली तारीख को वोट पड़ेंगे,
8 तारीख को गिन के फैसला होगा, किसी के पहले ही वो बगैर किसी सुनवाई के फैसला देने से नहीं होगा, आपके ओपिनियन से भी नहीं होगा, बिल्कुल मेरी ओपिनियन से भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट, उस वक्त जब होगा उस वक्त हम आपके साथ दोबारा बात करेंगे। उफाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को काट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनफैक्ट तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन ये जो जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, इसको इसकी डेमोग्राफी और टोपोग्राफी इस तरह की है कि जो रीजन वाइज अगर हम इसका देखें, कलारूस का एरिया, हाई हमा का, सबका अलग अलग मसाइल है, अलग अलग उनके मामलात है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि नासिर सुलेमानी साहब जब यहाँ पे लड़ रहे हैं तो उनकी नजर में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे एज एन एमएलए जो भी होंगे, अगर आप कल जीत जाते हैं तो क्या एज एन एमएलए वो काम होने चाहिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे इस इलाके के लिए होने चाहिए। लेकिन जब मैं इलेक्शन कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहा हूँ और मेरी प्रायोरिटी और मेरा सारा जो खिदमत करने का काम करने का एरिया कुपवाड़ा होगा, कुपवाड़ा की जहाँ प्राइमरीली इसका होगा, पर जिला तो है ही, वो कुपवाड़ा जिले की बात हो हम दोबारा करेंगे, लेकिन जहाँ कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, बदकिस्मती की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, रोड नेटवर्क के हवाले से, बिजली के हवाले से, बच्चों के खेल कूद के जो है फैसिलिटीज क्रिएट करने के हवाले से, आप किसी भी चीज़ पे हाथ लगाएं यहाँ उस लेवल का नहीं है। आप उसमें भी मैं आप ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा कि हमने क्या, अभी आप बोलेंगे जी आप इतनी देर थे तो दूसरा इतनी देर था, वो तो फिर सवाल बनता है, सवाल सवाल जरूर बनाइए। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ आया हूँ, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इन सब चीजों का फुकदान है और इसको शुरू करना है। मैं कल भी साथियों से बात कर रहा था कि अल्लाह करे कामयाबी तो दे और उसके बाद अल्लाह करे कि वो तौफीक भी दे कि इन उम्मीदों में पूरा उतर सके। यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है कि कोई ये नहीं है कि नहीं जी आपने 50% काम हुए, 70% काम हुए तो 20% मैंने करना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ टाउन की हालत आप देखिए, ये कैपिटल है, मुझे मतलब अफसोस से कहना पड़ता है, लगता नहीं है कि ये जिला हेडक्वार्टर, किसी एंगल से जिला हेडक्वार्टर दिखता नहीं। और क्या अब आप फिर पूछेंगे तो फिर बहुत नहीं, पर इन जनरल हम, मैं पर्टिकुलरली ना सिर्फ ये कि आपकी गवर्नमेंट है, बट कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको वेल डिजाइन तो कभी किया ही नहीं गया। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस रहा है वो एक शॉर्ट टर्म नजरिए से रहा, एक लॉन्ग टर्म नजरिए से नहीं रहा, कभी नहीं रहा। उसमें हम भी जिम्मेवार हैं, दूसरे लोग भी जिम्मेवार हैं, सब लोग और सोसाइटी भी जिम्मेवार है। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, जिस काम के लिए प्रेशर होता है, जिस काम के लिए डिमांड होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नेचुरली उसी में कर जाता है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए एजुकेशन के हवाले से, अब तक एक ही कॉलेज पे सारा लोड है, हमको एक दो कॉलेज और होने चाहिए थे जिले में, वो कहाँ लोकेट होंगे वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत है। इसी तरह आप मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ है जो खड़ा किया है नॉर्थ कैंपस, हमारे टाइम पे हुआ, मैं उसमें थोड़ा बहुत मैं भी इन्वॉल्व था, तलत साहब वीसी होते थे तो हमने यहाँ वाइन में किया। अभी तक तीन जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक जियो साइंसेस, एक फिजिक्स और अरेबिक, उसके अलावा कोई है ही नहीं। हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे बच्चों को वापस कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। अवलीन कोशिश हमारी रहेगी कि वहाँ सारे क्लासेस हो जाएं, और मैंने ये भी कहा क्योंकि हमारे बच्चों को श्रीनगर जाना पड़ता है और इनको वहाँ फिर रिहाइश की बड़ी दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करके एक बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ कुपवाड़ा के लिए खड़ा करें, ताकि वहाँ वो बेचारे बाद में जो है हॉस्टल की फैसिलिटी से मुश्किल में ना आए। ये एजुकेशन के अलावा से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल कोई ग्राउंड मुझे आप बता दीजिए इस एरिया में कहीं हो जो आप बोल पाएंगे ये प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, किसी स्कूल में के साथ नहीं है, कहीं उसके अलावा नहीं है। कोई बड़े चीज़ें तो छोड़ दीजिए, एस्ट्रोटर्फ की बात छोड़ दीजिए, नई फैसिलिटीज़ की बात छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर वॉलीबॉल कोर्ट नहीं देखा मैंने। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ पे अवेलेबल हो हर स्कूल के साथ जो ग्राउंड है उसको हम डेवलप करें और प्रॉपरली डेवलप करें, जहाँ बच्चों को हर कोई फैसिलिटी मिले। और मेरी कोशिश होगी कि हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ बनाएं, हमारे पास बहुत टैलेंट है और इनके बच्चों ने बगैर किसी फैसिलिटी के काफ़ी जगह अपने जो है टैलेंट दिखा के प्राइजेस भी जीते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए, ये न सिर्फ रियासत में
मुल्क में, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल इवेंट्स तक में ये पार्टिसिपेट कर सकें। और आप ये बताइए, आज के दौर में इन बच्चों का क्या कसूर है कि नए स्पोर्ट्स ना देखें? मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कुपवाड़ा के बच्चों ने आज तक लॉन टेनिस कोर्ट को हाथ भी नहीं लगाया होगा, स्क्वाश कोर्ट देखा भी नहीं होगा, और आजकल नए नए गेम्स आ गए हैं दुनिया में, नई चीजों पे आए हैं। कोविड के बाद नया हो गया, जैसे वो पिकल बॉल खेलते हैं, बाकी चीजें खेलते हैं, क्या वजह है हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी? और ये इनका हॉकी नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये, मैं अपनी जगह समझता हूँ, ये गुनाह है अगर हम अपने बच्चों को इन फैसिलिटीज से दूर रखें। अवलीन फुर्सत में करना चाहिए, तभी ये फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता बाकी कामों में लगते हैं। हम देखते हैं ड्रग अब्यूज है, इनको कैसे वीन आउट करेंगे? उसमें कोई चैनलाइज तो कीजिए, इनको कहीं तो बिजी रखना है। और इनकी होती है नौजवान में वो एक अर्ज होती है हर चीज़ की, इनकी एक जो है एनर्जी लेवल्स हाई होती हैं, हाउ डू यू चैनलाइज दैट? फिर ये हो जाता है। यहाँ मैं दोबारा भी कहूँगा, जो पिछला इलेक्शन हुआ इसमें सेंटिमेंट तो था ही था, लेकिन इनका बच्चों का जो अपना भी गुस्सा था इन सब चीजों का, इन्होंने वो भी निकाल दिया। वो जैसे कहते हैं ना कि वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही एक बात थी, उतना वो पॉलिटिकली नहीं था जितना ये मसला था। मैं और एक सवाल उसके बाद में पॉलिटिक्स पे आ जाता हूँ। सोशल, जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो गुजर की भी रहती है कम्युनिटी की, पहाड़ी कम्युनिटी एंड कश्मीरी कम्युनिटी इस पर्टिकुलर एरिया में और इस रीजन में। लेकिन जब हम सोशली देख रहे हैं ना, वो एक ही जगह पे स्टक हुआ है। डेवलप करने के लिए बहस बहुत हो सकती है रिजर्वेशंस को लेके, बाकी चीजों को लेके, लेकिन कम्युनिटीज को डेवलप करने के लिए, चाहे वो इंक्लूडिंग वुमेन एम्पावरमेंट, उस पे कभी काम नहीं हुआ है। हाउ डू यू सी दैट? अरे जनाब, ये तो बड़ी बातें हैं, रिजर्वेशन है कि रिजर्वेशन नहीं है, आपने उनको यहाँ एम्पावर करना है कि नहीं करना है, बेसिक फैसिलिटीज कहाँ है उनके पास? वही मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक लाइन डिवाइडिंग लाइन है जहाँ पे बड़ा मुसीबत हो जाता है कि एक लेवल तक डेवलपमेंट का जो है प्रेजेंस है उसके ऊपर है ही नहीं। आप अपर बेल्ट ले लीजिए, अगर आप यही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ले लीजिए, क्लारोस से ले लीजिए, क्लारोस के ऊपर थायन से ऊपर ले लीजिए, फिर आप यहाँ मनिका साइड से ले लीजिए, फिर आप इधर चले जाइए रिश्वारी मनमा, ये ऊपर वाला बेल्ट जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वही डिमांड आज भी है जो मेरे बचपन में थी। मतलब उसमें तो कोई आपको उनकी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, कोई स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत नहीं थी, सड़क देने में एसटी और नॉन एसटी का क्या मामला था, पानी का फैसिलिटी देने में ये मामला कहाँ आते थे, बिजली एजुकेशन हेल्थ केयर देने में ये मामला कहाँ थे, ये कहाँ लिखा था कि जो एसटी नहीं है कि उनको ये फैसिलिटीज नहीं देंगे, जो एसटी है नॉन एसटी है उनको दे देंगे। मतलब कुछ चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान करके हर तबके को, हर एरिया को। और ये मैं एक बताता हूँ, हमारे में एक प्लानिंग में एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जब भी काम शुरू होते हैं वो शहरों से शुरू होते हैं। अगर श्रीनगर से कोई हाईवे भी शुरू होगी, श्रीनगर से शुरू होती है, फिर आधे रास्ते उसकी फंडिंग खत्म हो जाती है या स्कीम खत्म हो जाती है, तो ऊपर तक आती नहीं। कोशिश करके, जब मैंने बोला अगर कोई काम शुरू करना भी हो, कम से कम ऊपर से भी शुरू हो, ताकि यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट जाए, ताकि नीचे तक हम भी कहीं मिल जाए, कोई तो स्टेज आए कि हम भी इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में कहीं मिलाप खाएं। अगर शहर के बराबर ना हो सके, कम से कम कुछ लेवल तो, कोई 50% तो उस लेवल तक आ जाए। एक ही जिला है जो अभी तक कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर हाईवे से, देखते हैं आप, तो सब तो हो जाना चाहिए था। सोपोर से कुलनगाम तक हमारे पास है, उसके बाद फिर बीआरओ के पास है, यहाँ कंट्रोल भी ड्यूअल है ना। एक रास्ते को डेवलप, आप मान लीजिए कुपवाड़ा का, मतलब बदकिस्मती से एंट्रेंस आप देखिए जहाँ चुंगी है, एक वहाँ पे एक बेंड है, मोड़ है, सारा रुक जाता है वहीं पे, हमारे कुपवाड़ा की एंट्रेंस ही वहीं रुक जाती है। क्या वजह है कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा वाइडनिंग कर लेते हैं, नहीं हुआ किसी की तरफ, तवज्जो ही नहीं गई। कुपवाड़ा का रोना रोए तो बहुत लंबा है, लेकिन इससे निकल के मैं फिलहाल फिर से सियासत की वो बात कर रहा हूँ। आप ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हैं यहाँ पे, बल्कि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और किसी ने इससे पहले भी एक बार कहा था, शायद आप ही के इंटरव्यू में या एनालाइज में, कि सेकंड इन कमांड जो है वो नासिर साहब। नहीं, ऐसा नहीं होता पार्टी में, मैं एक छोटा सा एक मैं भी वर्कर हूँ पार्टी का। हायरार्की बहुत बड़ी है, ये इतना कंपेयर करना मुझे उस लेवल का, मैं अपने आप को उतना बड़ा लीडर तो समझता नहीं हूँ, यहाँ आया हूँ लोगों की खिदमत कर सकूँ तो वही बड़ी बात है। ये मेरा एक जाती भी शौक था, मेरी फैमिली का भी ये था। मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि अपने लोगों की जाके खिदमत करो यहाँ पे कुपवाड़ा में, क्या यहाँ जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि उनका वो नज़रिया कितना अच्छा था,
ये अल्लाह ने करम किया मेरे पे, एक सीट निकल गई बीच में और मैं इनकी खिदमत करने के लिए यहाँ है, और अल्लाह करे कामयाबी दे और हम सब मिलके, आपने अभी देखा होगा कितने साथी आज जुड़ रहे हैं जो खुद भी कैंडिडेट थे बाकी पार्टियों से, वो भी जुड़ रहे हैं ताकि सबका ये सोच है कि अब बहुत हो गया, हम लोग हर तरह से पिस गए। मेरा सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस इलेक्शन को किस तरह से देख रही है नजरियाती तौर पे, कि कहां तक जो आपको लग रहा है कि आपकी और कांग्रेस की अलायंस है, हाउ डू यू सी इट, कि कश्मीर में जो पहले भी उमर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट वगैरह, डू यू थिंक कि इस वक्त जो इलेक्शन होगा और जिस तरह से लोग आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए, उसकी वजह से एक्सट्रीम पे मैंडेट फ्रैक्चर हो सकता है और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली उसके नतीजे भी मुख्तलिफ होते हैं? ये तो दिस इज मी, मतलब आप तो यू हैव बीन प्रोफेटिक, क्या आप पहले ही बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, ये होगा, इतना तो मेरे पास कोई इल्मे नुजूम नहीं है कि मैं पहले बता दूं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मुझे लगता है इस दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मेजॉरिटी खुद लेगी और कांग्रेस का साथ लेके हम लोग बहुत इतने नंबर्स लेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, मुझे मालूम है लेट भी हो रहा है, सिर्फ आखिरी सवाल, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन को देख रही है? स्टेटहुड था आप लोगों के पास, गवर्नमेंट्स होती थी उस वक्त, एक डिफरेंट सिस्टम हो रहा था, अब यूटी है, डिफरेंट सिस्टम होगा, यू बीइंग अ मिनिस्टर इन द फुल फ्लेज्ड स्टेट, हाउ डू यू सी द इलेक्शंस राइट नाउ? इलेक्शंस तो है ही डिफरेंट, हमने आज तक जो इलेक्शन लड़े हैं तब हमारे पास 370 भी था, 35 ए भी था, स्टेटहुड भी था, पावर्स डिफरेंट थे, अथॉरिटी डिफरेंट थी, एम्पावर्ड असेंबली थी, अपर हाउस था, वो सब कुछ था, आज तो वो सब कुछ छिन गया। तभी हमने कहा हमारा जो मैनिफेस्टो भी है, लड़ाई इस वक्त बहुत मुख्तलिफ किस्म की है, तभी हम सब लोगों को जो हम ख्याल लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त मिलिए, इस लड़ाई में हम मुश्तरक तौर पर जंग लड़े और कोई छोटी लड़ाई नहीं है, और ये सब कुछ लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह हद तक भी हमको जाना पड़े कानूनी तौर पे, हम कोई क्योंकि हमारा वो है ही नहीं, जो पूरे मुल्क में हम एक ताज था, ये स्टेट ही नहीं है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उसको उसके लिए लड़ना है, डिफरेंट तो है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि सवाल जो है मुझे लग रहा था आपके मैनिफेस्टो पे बात करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत टाइम कम है, बहुत दिन है, इंशाल्लाह आप कभी पूरा दिन हमारे साथ गुजारिए, बात करेंगे पूरा दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।